में थी, वैसे हमारे राजा की जान ईवीएम में है, तो ईवीएम को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईवीएम का खेल होता है 5% का, 10% का, इसको सेट किया जाता है कि 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, 7% वोट बढ़ा देगी ईवीएम। तो मान लो 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, तो इस बार 20% लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा, तो ईवीएम हारेगी। विपक्ष ने लगाया जमानत चोरी का आरोप, इलेक्शन कमीशन पर भी साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। लोकसभा चुनाव सिर पर है, सत्ता पक्ष के खिलाफ कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष हर तरफ से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, केंद्र सरकार की नीतियों के साथ साथ ईवीएम को भी निशाना बना रहा है। ऐसे में विपक्ष के इस आरोप की जहां हर ओर चर्चा हो रही है, वहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ सुखबुगाहट भी तेज हो गई है। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों के साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सच में सत्ताधारी पार्टी सियासत के अखाड़े से विपक्षी दलों को शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कैद करने की कोशिश कर रही है ताकि किसी तरह की चुनौती ना मिले, या फिर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए समूचा विपक्ष मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जब विपक्ष को भरोसा है कि जनता सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ी है, जब विपक्ष को जनता का विरोध हर तरफ सुनाई दे रहा है, तो फिर ईवीएम से हो रहे चुनावों पर अब भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों विपक्ष को हार का डर सता रहा है? क्या विपक्ष को भरोसा हो चला है कि मोदी का मुकाबला करना आसान नहीं होगा, इसलिए हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम का बहाना खोजा जा रहा है? ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार मैच फिक्सिंग जैसा खेल सियासत के अखाड़े में खेल रही है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जनमत की चोरी हो रही है? क्या जनमत संग्रह अब पारदर्शी नहीं रहा है? क्योंकि विपक्ष ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच हुई फिक्सिंग से जनता के जनमत को लूटा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कह देना ही काफी है कि चुनाव जीते ठीक, वरना ईवीएम गलत। वैसे ये हर किसी को सोचना होगा, खासकर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा कि अगर देश के मुख्य विपक्षी दल के साथ क्षेत्रीय दल भी हार और जीत के बाद ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है, तो फिर जनता को विश्वास कैसे दिलाया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में हुए चुनावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन कहता था, ग्राउंड से मीडिया रिपोर्ट बता रही थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट करेगी, मध्य प्रदेश में वापसी करेगी, तब कांग्रेस का तीनों राज्य से सुपड़ा साफ हो गया और तेलंगाना एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस ने पहली बार सरकार बनाई। यानी एग्जिट पोल के नाम पर जिन नतीजों की तस्वीर दिखाई जा रही थी, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। इसी का हवाला इलेक्शन कमीशन दे रहा है, आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की जहां सरकार बनी वहां तो ठीक, जहां से जनता का समर्थन नहीं मिला वहां गलत कैसे? इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता और विपक्ष ने लोकसभा चुनावों को लेकर हुंकार भर दी है। एक तरफ सरकार सत्ता में लौटने की बात कह रही है, वहीं 400 पार का नारा भी लगा रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मोदी सरकार की विदाई का समय नजदीक बता रहे हैं। तो यदि हमारी आज की रिपोर्ट, इससे जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कॉमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तरुण शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। नमस्कार।